हेलो गाइस, ये हमारा फर्स्ट डे ही है जूनागढ़ में। हाँ, जूनागढ़ नहीं, जैसलमेर में। हम अभी जस्ट पहुँचे ही थे। हम प्लान करके आए थे कि हम व्यास छत्री जाएंगे, लेकिन क्योंकि मैं देखो एक बार रोकना चाहूंगा, आप बस वो एक बार देख लो। अगर आपको दिख रहा है तो वहाँ सनसेट हो रहा है, आप सिर्फ देखते रहो वो कैसे सन कितनी जल्दी कितनी स्पीड में नीचे जा रहा है। हम आगे सेटअप करने की सिर्फ कोशिश ही कर रहे थे और उतनी सी देर में मतलब सन मतलब ऐसे भाग रहा है, कहता आज नहीं मिलूंगा दोस्त। तो मतलब आज हमारा प्लान था कि हम होटल वगैरह लेके उसके बाद व्यास छत्री जाएंगे, लेकिन व्यास छत्री जितनी देर में हम आए, हम जितने देर में फ्रेश हुए तैयार होके हम आए, उतनी देर में तो सनसेट हमारे सामने नीचे जा रहे हैं, सेकंड्स के हिसाब से जा रहे हैं। तो अब चलते हैं कोई मस्त जगह, रापचिक सी जगह खाना खाने। हाँ जी, आप हमें बताएं कि आपको जैसलमेर कैसा लग रहा है? अभी तक तो मेरे को जैसलमेर सिर्फ देखने के तरीके से बहुत अच्छा लगा। ये ऑथेंटिक सिटी होती है जो मतलब डेजर्ट वाली, एक्चुअल में सिर्फ सैंड ही सैंड है हर तरफ, और कहीं पहाड़ी आती तो वो ऐसे लगता है वो किसी वो टाउन का टॉप पॉइंट है और वहाँ से पूरा इलाका दिखने लगता है। तो जैसलमेर बहुत अमेजिंग है, अब देखते हैं हमारा आगे का एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहता है। जैसलमेर को कहा जाता है गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान। जैसे जैसे हम जैसलमेर में एंटर हो रहे थे तो हमें सारे घर एक ही जैसे गोल्डन कलर के दिख रहे थे, पर फिर मैंने आके पूछा कि क्या थोड़े ही घर गोल्डन कलर के हैं या पूरा जैसलमेर ऐसा है, तो वो बोलते पूरा जैसलमेर इन्हीं कलर का, ऐसी ही टाइल्स, मतलब स्पेसिफिक उनका एक जो बिल्डिंग बनने का तरीका है वो वैसे ही बनी है, पूरा जैसलमेर ऐसा है, पूरी गोल्डन सिटी, पता लग रही है कि गोल्डन सिटी है ये और बहुत अमेजिंग है ये। सो गाइज, वी आर हेयर एट, नाम क्या है इस कैफे का? काकू। हमने गूगल पे सर्च किया कैफे द कुकू, तो कैफे द काकू इसने पिक कर लिया क्योंकि इसकी सेटिंग बहुत कोजी थी। गूगल पे जो भी पिक्चर्स थी वो अच्छी लग रही थी मुझे, मैंने देख लिया। मैं एंट्री कर रहे हैं, सुंदर लग रहा है। अब ऐसे चलते जाते ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, शिट, ओ बाबा रे, ये तो बहुत ज्यादा प्रिटी है भाई। अरे बाबा रे भाई, मेरी तो हवा निकल गई। ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट व्यू दैट आई हैव एवर सीन, जस्ट लुक एट दैट। वोरा पूरा जो जैसलमेर का फोर्ट है, एंड द लाइटिंग ओवर हियर इज अमेजिंग, यहाँ से पूरा सिटी का व्यू आ रहा है। इनकी सिटिंग बहुत कोजी है और इन्होंने जो लाइट इफेक्ट्स डाले हुए हैं मुझे अच्छे लग रहे हैं। लेट्स सी अब खाना कैसा। यहाँ पर चटाई भी होती ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप पीछे एक बार व्यू देख लो। ओवरऑल यहाँ की जो वाइब है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेक्टेकुलर, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मैं तो इस तरह बैठूंगा, मुझे व्यू देखना है। कोमल ने अपनी बैग लगा के आराम से बैठी हुई है। हाउ आर यू फीलिंग? मैंने अपनी जगह ले ली है, मैं एकदम कंफर्टेबल हो चुकी हूँ। दोस्तों यहाँ तो बहुत मज़ा आ रहा है, तो हम बहुत देर बैठेंगे। हमारा प्लान था कि हम जल्दी से खा के जाके रेस्ट कर लेते, बट यहाँ पे आके सच में थकान खत्म होगी। जो व्यू है ना दोस्तों, खत्म है भाई, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। खाना खा के देखते हैं, सब खाना अच्छा हो, वरना कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानेंगे, ये भी बहुत अच्छा था। मैं इस साइड बैठी हूँ और मेरे पीछे भी व्यू कोई कुछ खास कम नहीं है, और मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे फोर्ट है ना वहाँ पे, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। गाइस ये बहुत टेस्टी पिज्जा है, अब देखते हैं होगा कैसा। अच्छा, और इट्स जस्ट गुड बिकॉज़ यू आर हंग्री। अच्छा लग रहा है, जैसा भी अच्छा लग रहा है। तो वो खा के आगे मिलता है, मुझे सच में कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे खाना खा लिया है, खाना कंप्लीट हो चुका है, अब हम जा रहे हैं वापस अपने होटल। इसकी एम्बियंस बहुत अच्छी थी, यहाँ पे अगर आप बैठोगे तो आपको सिटी व्यू आएगा जो कि बहुत अमेजिंग लगता है। और उन्होंने जो फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट में जो लाइट्स होती हैं, तो यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, बहुत बहुत प्रिटी है। फूड का मैं ऑनेस्टली कहूँगा सो है, इट्स नॉट दैट गुड। हमने दो तीन चीज़ें ट्राई करी बट उतना मज़ा नहीं आया। ओके था, मतलब नॉर्मल था, लेकिन एम्बियंस बहुत अच्छा है। कोई नहीं, ओवरऑल अच्छा लगा, एक्सपीरियंस अच्छा था। हाँ, तो अब आज का दिन हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, फिर भी आए थे आपको आपके लिए व्लॉग बनाने के लिए कि आज मतलब बनता नहीं था व्लॉग। हमने सुबह से यहाँ तक का व्लॉग बनाया था, बीकानेर से यहाँ तक का, बट हमने फिर भी कहा कि चलो कुछ तो करने जाएं, कुछ तो व्लॉग बनाएं, एटलीस्ट आप लोगों को कॉन्टेंट प्रोवाइड कर दें, और हमने कर दिया। गाइज हम आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल हम जाएंगे जो हमारे पीछे एक बहुत तगड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है, वो वाली जो बिल्डिंग है
वो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर आवर अपडेटेड स्टोरीज एंड स्टे ट्यून्ड. तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन दबा दो.